एक साल के अप्रोच में तीन चीजें हैं, रीड लेस, रिवाइज मोर, थिंक मोर। रीडिंग तो करनी है कम, बुक कम से कम रखनी है। जैसे पॉलिटी की एक ही किताब है, हिस्ट्री की तीन एनसीईआरटी है, ज्योग्राफी की एनसीईआरटी है, इकोनॉमिक्स में सिर्फ लेक्चर है, कोई मैंने तो रेफरेंस बुक भी नहीं पढ़ी इकोनॉमिक्स के लिए हुई, ठीक है। उसको इतना रिवाइज करना है ना, अब कितना रिवाइज किया होगा मेरे को भी याद नहीं है कितनी बार पढ़ लिया वो, है ना। मतलब ऐसे है कि पिछले पेज पढ़ रहा हूँ तो उसके आगे वाले पेज की लगभग लाइनें पता होगी कि यहाँ पे ये लिखा होगा, यहाँ पे लिखा हो, इतना रिवाइज करना है, ठीक है। और उसके बाद में थिंकिंग करनी है कि यार ये क्वेश्चन कैसे बन सकता है, ये क्वेश्चन कैसे आ सकता है। इनोवेशन की थिंकिंग करनी पड़ती है, कैसे इनोवेट कर सकते हैं हर क्वेश्चन को। कोई भी क्वेश्चन होता है उसके लिखने का एक नहीं तरीका होता, सब्जेक्टिविटी होती है ना मेंस में, बहुत सारे तरीके होते हैं मेंस को लिखने के। तो उसमें ये लिखना है कि कितने तरीके से हम उसको अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। तो तीन चीजें हैं, जब रीड लेस, रिवाइज मोर, थिंक मोर, अच्छा से सोचो, चिंतन है ना वो जरूरी है। कोचिंग में बता रहे हैं, टीचर्स बता रहे होंगे, तुम्हारा खुद का भी इनपुट होना चाहिए हर चीज में। सिर्फ कोचिंग में बताई हुई चीजें पढ़नी है, बहुत अच्छी है, उसके अलावा तुम खुद जो पढ़ोगे ना, खुद जो सोचोगे, वो सबसे अच्छी चीज है। क्या प्रायोरिटी? दोनों पढ़ सकते हो। हिस्ट्री के लिए मैंने ओल्ड पढ़ी थी, ज्योग्राफी के लिए न्यू पढ़ी थी, इकोनॉमिक्स के लिए न्यू पढ़ी थी, बस यही है। हिस्ट्री के लिए ओल्ड अच्छी बताते हैं, इसलिए ओल्ड पढ़ी थी। क्या कौन सा शेड्यूल? टाइम मैनेजमेंट का दिन में पढ़ो चाहे रात में पढ़ो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। बात यह कि जब बैठो ना, तो ऐसे नहीं है कि हम लगातार लग रहे हैं लग रहे हैं लग रहे हैं, कोई देख भी नहीं, थोड़ा गैप लेते रहना चाहिए बीच में। 2 घंटे पढ़ लिए, 10-15 मिनट का गैप ले लो, आंखें बंद करनी चाहिए। उसमें फोन मत देखना यार, कम से कम आंखें वैसे ही थकी होती है, फोन देख के अपन और थका देते हैं। उसमें कुछ मतलब कुछ खा पी लेना चाहिए, अच्छा बाहर नहीं कुछ अच्छा, ठीक है। तो वेजिटेबल्स, कुछ फ्रूट्स वगैरह कुछ खाने चाहिए दिन में, क्योंकि वो तन स्वस्थ हो मन स्वस्थ, गलत नहीं है वो, मैंने फील की हुई है चीज़। 4 दिन आप समोसे खा लो और 4 दिन अच्छे फ्रूट्स खा लो, फर्क पता चल जाएगा, किसी को डाउट है तो मेरी बात पे। और गैप दे के पढ़ना चाहिए, और संडे वाले दिन थोड़ा खुद के लिए टाइम निकालो, थोड़ा घूम के आओ, क्योंकि रोबोट मत बन जाना, रोबोट बनना सही नहीं है। मस्त रहो यार, कोई दिक्कत नहीं है, निकाल दोगे।